हाँ तो मिलिए संजय राउत जी से, मलेशिया से, जो हमेशा हम चिल्लाते रहते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आइए, थोड़ा खाली जगह को भर दीजिए, मोबाइल को ऐसे थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ, और क्या हाल चाल है? कब जी गुरु नेपाल? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नेपाल कब पहुंच रहे हैं? ये 20 तारीख का। फाइनली मलेशिया छूट जाएगा? हाँ छूट जाएगा इस बार। वाह वाह वाह। तो 20, इसी 20 को पहुंच रहे हैं? हाँ इसी 20 का, 15 का काम स्टॉप है और 20 का फ्लाइट है शाम को। 15 तक काम करना है और 20 के शाम का फ्लाइट है। हाँ कितना लगा टिकट में पैसा? वो कंपनी कंपनी देगा, कंपनी अच्छा, कंपनी विदाई का भी देता है पैसा? विदाई का पैसा देता है, बाद में वो यहाँ से एयरपोर्ट ले जाने का भी पैसा देता है, वही लेके जाता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो योजना क्या है भविष्य का? वही बिजनेस क्वाइल का और एपी फैन का क्वाइल अभी और स्टार्ट करना है। एपी फैन का आपको स्टार्ट करना है, तो ठीक है, अभी सीजन हाँ है उसका। तो अभी वो ग्लव मशीन लेना ठीक रहेगा कि बना बनाया लेके बेचना अच्छा रहेगा गुरु जी, इसलिए कितना पूंजी से काम कॉल। करना है पहले ये बताइए। 4-5 लाख रुपया तो है। हाँ तो फिर ग्लोबे से कीजिए, सीएनसी में नहीं। सीएनसी में तो कम से कम 10 लाख का तो सब मशीनें लग जाएगा, लेकिन छोटे। सीएनसी मशीन के लिए भी है पैसा, लेकिन अभी तो नया में तो उतना लगा के नहीं फायदा नहीं नहीं है ना। नहीं नहीं 1 साल ग्लोब चला लीजिए, जब देखिएगा कि हमारा रोज का 200-300 कॉइल का काम सेट हो गया है, तब सीएनसी बैठा लीजिएगा, तब ग्लोब से सपड़ेगा नहीं। एक ग्लोब के बाद दूसरा ग्लोब नहीं लेना है। पहला ग्लोब ले लिए, हाँ उससे काम जमा लिए, अब दिक्कत हो रहा है तो फिर जाके एक ग्लोब, दो गो ग्लोब, चार गो ग्लोब बैठा ली, वो जमाना अब नहीं है। उसके बाद सीएनसी पे उतरना है, शुरू इसीलिए ग्लोब से बोला करो। अभी। हाँ, हम तो कहेंगे कि सिद्धक बाबू के साथ मिल के काम कीजिए, वो सारा लाइसेंस वाइसेंस ले लिए हैं, आपको खाली उनके साथ एक वो पार्टनरशिप डीड साइन कराना है बस, बाकी सारा लाइसेंस तो हाँ मेरे अभी, पास है। हाँ यहाँ से जाके और 10 दिन थोड़ा शादी शादी भी है घर पे, वहां आपकी का पे शादी वो है? निपट के इसके बाद। आपकी शादी जी है? गुरु जी। आपकी शादी नहीं नहीं है? नहीं अच्छा साली का शादी है, हो अच्छा शादी आपकी हो चुकी है? चुका है। हाँ एक बेटा अच्छा, भी है। एक बेटा भी है, लेकिन चेहरा से तो बहुत जवान लगते हैं अभी। कितना उम्र है आपका? अभी 26 हुआ। हाँ बाप, शादी कौन से उम्र में किए थे? 22-23 में ऐसा ही किया था, 2019 में किया था। मैंने 22-23 में, 2019, और जो 22-23 उम्र था, 22 था कि 23 था ही कंफर्म नहीं है। हाँ वैसा ही था, कोरोना अच्छा वैसा। चलिए बहुत बढ़िया। के चलते भूल गया। अच्छा, कोरोना के चलते याददाश्त पे असर पड़ा है, हम समझ गए। कोरोना से बहुत लोगों को बहुत तरह का समस्या हो गया है। और हाँ यहाँ 4 साल हो गया है, इसलिए यहीं पे अभी घर घर भी नहीं जा पाया कोरोना के चलते। 4 साल से यहीं पे हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ वही वही था कॉइल के बिजनेस के बारे में, हाँ और कीजिए जो कीजिए। उसको मोनोपोली बनाने के लिए उसमें हाँ, बेयरिंग देना अच्छा रहेगा कि कैपेसिटर? कैपेसिटर कीजिए ना, बेरिंग महंगा पड़ जाएगा ना, कैपेसिटर सस्ता पड़ेगा। अब बेरिंग मान लीजिए 30-32 रुपया है, कैपेसिटर 10-12 रुपया, ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर है। हाँ बेरिंग जल्दी ख़राब नहीं होता है, कैपेसिटर। अब बेरिंग बदलना टेढ़ा है, कैपेसिटर बदलना आसान है, दो गो तीन गो तार का खेल है। बेरिंग में झमेला है, ठोक पीट, ये वो, टेढ़ पचकल, उसको अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, बहुत तरह का नाटक है। तो वो छोड़ दीजिए, कैपेसिटर एक अच्छा से पैकिंग करके, उसी पैकिंग में एक कैपेसिटर डाल दिए, एनसी लेकर से पूरे कॉइल को रंग लिया। अभी जैसे वो दिखा रहे थे सोनू वर्मा जी, आरा से देखे थे कॉइल उनका, जी कैसे चमक रहा था, जो 180 में खरीद के ले आया, 500 में बेच रहे हैं। ऐसा ऐसा डील सबको मिल जाता है, आदमी तुरंते राजा हो जाए बिजनेस में। और और बोलिए। एक्सचेंज में जो स्टेटर होता है ना, एक्सचेंज में कॉइल का ही रेट लिया जाता है कि वो स्टेटर का भी दाम? कॉइल में तो आ रहा है ना स्टेटर, वो स्टेटर तो दे ही रहा है ना आपको, स्टेटर भी दे रहा है, हाँ कॉपर भी आ रहा है, उसका स्क्रैप रेट, वो सारा हिसाब किताब है उसका। अच्छा, अमोल बोबड़े जी,
एक वीडियो करके अमूल बोबड़े जी आप इसके ऊपर बना दीजिए कि एक्सचेंज में कैसे कैलकुलेशन आप लोग करते हैं रेट का, तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं गुरु जी, इतना ही, अब घर जाके ही पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नए व्यापार के लिए और सुखद यात्रा के लिए, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए, ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।